क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी घबरा गई थी, फिर याद आया कि हमारा तो निकाह हो गया। Come on, really? क्या हो गया तुम्हें माँ? तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? पता नहीं मुझे। अब तुमने डरना नहीं है, ये हाथ मैंने हमेशा के लिए थामा है, अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। इंशाल्लाह। बानो आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। खुश आमदीद बेटा, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम नहीं जानते बेटा, तुम दोनों के आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। हारिक ने जब मुझसे घर की बात की और मुझे बताया अनकरी भी अपनी दुल्हन ला रहे हैं, सच पूछो मुझे यूं लगा जैसे मेरा बेटा अपनी बहू लेके आ रहा हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। हारिक, तुम दुल्हन को लेकर ऊपर जाओ, मैं खाना लगाऊं, और किसी चीज की भी जरूरत हो प्लीज मुझे कह देना। ठीक बेटा? बहुत शुक्रिया। सब आपने किए? हाँ, यूं अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? इतना तो मुझ पे फर्ज था ईमान, और जहां तक मैं जानता हूँ एक शौहर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। क्या हुआ? उदास क्यों हो? नहीं, फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। अरे बाप ने झूठ बोला, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था उनसे। एक सेकेंड, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच को छुपाया है, और वो भी मसलहत के तहत। बताकर भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इन बातों को सोचने का और रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। देखो मैं लड़का हूं, किसी तरह भी ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगा, अगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जानती हो कितनी चाह थी मुझे याद थामने की, आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। वैसे तुमने भी मुझे काफी टफ टाइम दिया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई। बस कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की रजा में राजी होने के और उसकी तवक्कल में अपना फैसला करने के। वरना तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना, है ना? हारे, शायद मोहब्बत पहली नजर में नहीं होती। मुझे तो पहली नजर में हो गई थी ना।
अच्छा, मेरे ख्याल से तो मोहब्बत होने में वक्त लगता। कहीं तुम्हें पहले तो मोहब्बत नहीं हो चुकी? क्या हुआ इमान, इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ यार, मजाक कर रहा था। और वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत से ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारी मोहब्बत। पता है आज दुल्हन के लिबास में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल पाकीज़ा, मासूम सी, परी जैसी। और मैं कैसा लग रहा हूं? तुम भी तो कुछ बताओ ना। लग रहा हूं ना ख्वाबों का शहजादा जो घोड़े पर आता है और शहजादी का हाथ थाम के ले जाता है। अच्छा तुम बैठो, मैं आता हूं। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से ना खाली कोई भी गया। तू करम ही करम अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, हारे फोन पिक नहीं कर रहा, अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। मेरी भी कोई ईगो है, खुद ही आएगा एक दिन मेरे पीछे।